आए हैं नैंडी टेंपल में। ये टेंपल फिजी का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है और ये साउथ इंडियन टेंपल है। यहाँ पे यहाँ जो मंदिर है ये मुरुगन स्वामी का मंदिर है, मुथुस्वामी मुरुगन स्वामी। हम अभी कार पार्क कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं टेंपल की ओर। यहाँ के टेंपल बहुत बड़े बड़े होते हैं और पार्किंग वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। हमारे साथ हमारे यहाँ के लोकल फ्रेंड्स भी थे, वो साउथ इंडियन थे तो उन्हें पता था यहाँ की यहाँ पे कैसे पूजा करी जाती है, कैसे पूजा की थाली बनाई जाती है, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा और बहुत सुंदर एकदम सुंदर नक्शी काम किया है। पूरा मन टेम्पल इतना सुंदर है और यहाँ पे गणेश जी भी है, गणेश जी का भी टेम्पल है, नवग्रह का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, सब देवियों का टेम्पल है। यहाँ के टेम्पल की यही खासियत थी, कोई भी टेम्पल में जाओ तो आपको सब भगवान मिल जाते हैं। यहाँ पे एक टेम्पल में मुझे साईं बाबा की भी मूर्ति दिखाई दी। अभी हम यहाँ पे थाली प्रिपेयर कर रहे हैं पूजा के लिए और ये पीपल का पेड़ है। यहाँ पे बरगद के पेड़ नहीं मिलते, फिजी में कहीं भी बरगद के पेड़ नहीं दिखे, तो यहाँ पे पीपल के पेड़ को ही वट सावित्री के दिन धागा बांधा जाता है। ये गणेश जी को चढ़ाना है ना। जय जय बापा कर। हाँ फ्लावर, हाँ आपका फ्लावर, हाँ माला दे, गिव मी फ्लावर। ओ किती छान आहे। हमारी पूजा की थाली प्रिपेयर हो गई। आका 25 सेंट्स ही रहते हैं सब कुछ है। हम लोग के ये यहाँ पर मानना है कि यही सात सेंट रखना है। ओ ओ ओ हम लोग यही सब पूजा भी यही रखते हैं। ओ वो गणेश भगवान को छोटी सी पूजा की जाती है, आरती की जाती है, माथे पे भस्म लगाया जाता है और फिर हम चलते हैं मेन टेंपल में जो है मुरुगन स्वामी का। ये पानी में जो छोटे छोटे फिश की तरह लग रहे हैं ये एक्चुअली फ्रॉक्स है। मैंने बचपन में एक बार फिश समझ के इसको कलेक्ट किया था तो मुझे अच्छे से याद ही है। और अभी चलते हैं मेन टेंपल में। बहुत सुंदर और एकदम अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, एकदम शांत लगता है मन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हवन किए जाते हैं, पूजा की जाती है, कलश पूजा होती है, एनुअल पूजा होती है और जो मंत्र होते हैं उसकी वाइब्स की वजह से वहाँ पे जाने के बाद एकदम शांत लगता है। फिजी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नैंडी में है और नैंडी में ही एयरपोर्ट के बाहर आते ही यहाँ सबसे पहले ये टेम्पल दिखाई जाता है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ फिजी, ऑल्सो इट्स द बिगेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ द फिजी। और इस टेम्पल में सिर्फ ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही अलाउड है, शॉर्ट्स एंड ऑल वो चलता नहीं। अगर कोई टूरिस्ट लोग पहन के भी आते हैं तो उनको एंट्रेंस पर ही रोककर सरोंग या फिर साउथ इंडियन स्टाइल लुंगी पहनाई जाती है जिससे कि अपने पैर ढक जाए। टेम्पल के अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं था तो इसलिए हम नहीं ले पाए, बट अंदर बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए थे वॉल पे, सीलिंग पे, जो बहुत अच्छा लगता है देखने। अभी हम मंदिर के बैक साइड जा रहे हैं जहाँ पे और भी टेम्पल्स हैं। जब भी मंदिर में पूजा होती है तो पूजा का प्रसाद भी होता है, महाप्रसाद होता है, और टेम्पल का प्रसाद तो अच्छा ही लगता है। यहाँ के प्रसाद में दाल राइस होती है, टमाटर की चटनी होती है जो बहुत अलग तरीके से बनती है, अपने इंडियन तरीके से थोड़ा सा अलग बनती है तो इसलिए टेस्ट भी अलग आता है। सब्जियाँ वही इंडियन है बट फिजी स्टाइल बनाने के तरीके से वजह से वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। कटहल की सब्जी होती है, बैंगन और पोटैटो की सब्जी होती है, पूरी होती है, ऐसे डिफरेंट आइटम्स होते हैं महाप्रसाद की थाली में। अभी हम आए नवग्रह टेम्पल में, उसके पड़ोस में ही है शिव जी का टेम्पल,
और उसके पड़ोस में खाने का बड़ा सा पिंडॉल है। बट अभी हम और टाइम पे गए थे तो वहाँ पे कोई प्रसाद नहीं था। बट टेम्पल के बाहर ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जो प्योर वेज है, और फिजी में प्योर वेज रेस्टोरेंट बनना इज अ बिग थिंग। और वहाँ पे हमने खाना खाया, वही थी हमारी टेम्पल की ट्रिप। यम्मी यम्मी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।